मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस बात पर उदास हो। लगा सायरा सायरा को मार पड़ी है इसीलिए तुम इससे। तुम भी वैसे भाई निकले जैसे गैरतमंद भाई होते हैं, भाई कम और भाई लोग ज्यादा। इफ्रोस ने अब सबको धोखा दिया। उससे उसको रिश्ता लाने को कहा हमार। तुमने भी ये किया, मैंने भी ये किया, क्या गलत किया हमने? इफ्रा मेरे साथ बहस करने की कोशिश मत करो, उसने गलत किया सो किया। बस कर दो हमार, अपने लफ्जों और लहजे में अशरफ की जबान मत खोलो। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी बहनों की खुशियों का फैसला करे। ऐसी बातें मत करो कि मैं पछताने पर मजबूर हूँ। सिर्फ हासिल इसीलिए हुई क्योंकि तुम इतने अंधेरे और खौफनाक माहौल में अपनी बहनों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। तो क्या करता मैं? सब घर वालों के सामने ये कहता कि उसने ठीक किया, भरोसा था मुझे उस पर। मैं इस बात का जामिन था कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। क्या किया उसने? शादी करना चाहे, मजहब उसको इस बात का हक देता है। बार-बार उसने मुझे सब घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा उसने तुम्हें, तुम्हारे घर के सिस्टम ने तुम्हें। मेरे बाबा को कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई, मुझे भी नहीं हुई और अपनी भारी में तुम्हें भी नहीं। तुम तन्हाई में सच्चे दिल से सोचो हमार, इस बात को एडमिट करो कि वो गलत नहीं है, तुम्हें खुद ब खुद उस पर प्यार आ जाएगा। मुझे लगता था कि वो सिर्फ गुस्से का तेज है, लेकिन कल पता चला कि वो इंसानियत से घिरा हुआ है। इतना चीप और नैरो माइंडेड आदमी, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो अपनी बहन से किस तरह बात कर रहा था। कोई भाई अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करता। लेकिन अशरफ के बिहेवियर की वजह क्या थी? पता नहीं क्या वजह है यार, शायद ये कि मैं सायरा की क्लास में पढ़ता हूँ और सायरा मुझे पसंद करती है, इसलिए वो सायरा की शादी अपने ही जैसे किसी कजन के साथ करना चाहता है। ओह, सायरा है कहाँ, वो आई क्यों नहीं? यार कल की बात के बाद मुझे आइडिया था कि वो आज नहीं आएगी। हिरब, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? हाँ कहो। तुम प्लीज सायरा के घर कॉल करो, पूछो उससे कि वो कैसी है। पता नहीं अब तक उसके घर वालों ने क्या डिसाइड कर लिया होगा। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? उसका फोन बंद जा रहा है यार। ओके, आई विल कॉल हर। अभी कॉल करो ना, प्लीज अभी कॉल करो उसे। ओके, करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सायरा। मैं सायरा नहीं, खतीजा बात कर रही हूँ, आप कौन? आपा, मैं हीरा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यकीनन सायरा से बात करना होगी। जी, सायरा कहाँ है, आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिन यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। क्यों आपा, क्या हुआ उसको? कुछ भी नहीं, बस आपको मिल रहे तो आप घर आके मिल लेना ना। पापा, आप मेरी बात करवा सकती हैं उससे अभी? अभी तो बहुत मुश्किल होगा, सो रही है वो। मैं फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। सायरा ने बात नहीं की? वो कह रही थी कि वो सो रही हैं, तुम घर आकर बात कर लेना। तो तुम प्लीज उसके घर चली जाओ ना, मेरा कांटेक्ट करना उसके साथ बहुत मुश्किल है। हमारे बड़े प्रोफेसर साहब, मुझे बड़े खुशी हुई है कि आप हमारे घर आए आज। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं डेपुटेशन पर सऊदी अरब जा रहा हूँ, अप्लाई किया हुआ था, अब उन्होंने मेरी अर्जी कबूल कर ली है। ना तो मुबारक हो, इससे बेहतर फिर क्या बात हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सबिया को भी अपने साथ ले जाऊं। मैं बेटी का बाप हूं, मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटे भाई की हैसियत से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी अमानत को रुखसत करा के ले जाइए।
या फिर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं इफ्रा को भी साथ ले जाऊं। ना इजाजत की क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, हम रुखसती जाते हैं, आप सही कह रहे हैं, आप हमारे ये माने तो मैं सौंप के ले। तो बस फिर ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर बेटी अपने घर से धार जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरीन करेगा जी इंशाल्लाह। और सुनाए प्रोफेसर साहब, आपने जाना कब है? मैं बस कल आने की देर है। आप बेफिक्र हो जाए प्रोफेसर साहब, इफ्रा हमारे घर आएगी, हमारी बेटियों की तरह रहेगी जी। जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। चाय तो पिया, चाय पियो। तूफान तो आएगा, तूफान ने तो आना है। अब अशरफ से कौन बात करेगा, आप या मैं? जी अबा जी, बुलाया? बैठ गया। हाँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तेरी भी शादी करा लें। नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं करनी है अबा जी, खामखा। मैं तेरे लिए बड़ी प्यारी दुल्हन लेके आऊंगी। नहीं बल्कि मैं तो ये चाह रहा था कि जवाद के साथ अपनी शायरा का निकाह जितनी जल्दी हो सके करवा दे। हाँ बात बोली नहीं है, शायरा का हो जाए निकाह ठीक है, ठीक है। मैं खुद सोच रहा था फिलहाल अब देना ही है, हमार जो है इसकी भी अब रुखसती होनी है। हाँ तो बस ये अपने हमाद की रुखसती के बाद शायरा का निकाह कर देते। अभी तो खतीजा और रुबाब दोनों बैठी हैं घर, आप सायरा की शादी पहले कैसे करा सकते हैं? ठीक है, जो उसके कटोते हैं उसकी शादी होनी चाहिए, मुझे ये ठीक है, ये बात पक्की है मेरी तरफ से। सायरा चुप्पी कर जाओ अब, और कितना रोना है। बस करो, चुप कर जाओ अब, ये आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं, और तुम तो लड़ने की ताकत रखती हो, और तुम्हारे पास तो वो जुबान है जिससे तुम लड़कर अपना हक मांग सकती हो। सायरा, इसे क्या हुआ है? रो रही है अपनी किस्मत पर और क्या। मैंने बताया था ना कि अगर ये बात के बारे में इनको पता चल गया तो जो पहला रिश्ता आएगा ये हाँ कर देंगे, और इन्होंने हाँ कर दी। जवाहर से सारा का रिश्ता हाँ कर दी। अशरफ भाई से तो यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अम्मा हब्बा को तो सोचना चाहिए ना। अरे अब्बा इस बात को ठीक समझ रहे, और आप ही हाँ करें। मेरी बात कौन सुनता है, मुझसे किसी ने पूछा? किसी ने नहीं। मैं अपनी बेटियों के लिए क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों के लिए पढ़े लिखे अच्छे घर के सुलझे हुए लड़के आए और इन्हें ब्याह के ले जाए, लेकिन मुझसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती। अम्मा आप तो चुप कर जाएं, अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। मैं चाहती हूँ बस मर जाऊं, मैं बस, मैं अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म होते नहीं देख सकती, बस मैं थक गई हूँ मैं। अम्मा आप अशरफ भाई से क्यों नहीं बात करती, शायद उनका दिल पिघल जाए, उनको रहम आ जाए हम पर। आप बात तो करें उनसे। से बात करो, कोशिश करो।
जवाद एक बात तो बता, तू मेरे से कितनी मोहब्बत करता है? ये भी भला पूछने वाली बात है भाई पागल, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर सकता हूँ, किसी भी चट्टान से टकरा सकता हूँ, तेरे लिए ना जान दे भी सकता हूँ। पागल हो गया तू? तू मर गया तो मैं क्या करूंगी? अच्छा मुझे ये बता, तू मेरी खातिर कर क्या सकता है? मैं तेरी खातर सुई के नक्के से भी गुजर सकता हूँ। सुई के नक्के से? सुई के नक्के से कैसे गुजरेगा? अरे यार वक्त आने दे, कुछ भी कर दूंगा तेरे लिए। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अम्मा से क्यों नहीं बात करता? यार मैं भला कैसे बात कर सकता हूँ, वो मुझे फूफी अम्मा से बड़ा डर लगता है। तू ऐसे कर, खतीजा अब्बा से बोल, वो तेरे मेरे लिए बात कर। ना बाबा मैं तो खतीजा अब्बा से बात नहीं करने वाली जब तक उनकी शादी का बंदोबस्त नहीं हो जाता, अच्छा नहीं लगता ना। ये भी है, आप ही जाते कहाँ चली गई थी तुम? एक घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सुई लेने गई थी। सुई? सुई किस लिए? तुमने तो कहा था सुई के नक्के से गुजर के दिखाओगे। यार मैं कौन सा सर्कस में काम करता हूँ जो सुई के नक्के में से गुजर जाऊंगा? ऐसे ही तुमसे मजाक किया था, महावरतन बोला था मैंने। देखो जवाब, मुझसे इधर उधर की बातें मत किया करो। सुबह से परेशान हो रही थी, ये सुई ढूंढ के लाई हूँ इतना बड़ा नक्का देख के। अच्छा तुम ज्यादा परेशान ना हो, माफ कर दो। मुझे ये बताइए कि आपने अपने और मेरे बारे में किसी से बात की? अभी नहीं की, एक बार हमाद भाई की शादी हो जाए, इफ्रा भाभी इस घर में आ जाए तो फिर करूंगी। तब तक हम ऐसे अपनी बहन पे जुल्म ना कर। कैसा जुल्म अम्मा, मैं तो वही सब कुछ कर रहा हूं जो उसके लिए बेहतर है। अशरफ जब तू पैदा हुआ था ना, मैं मरते मरते बची थी। मैंने सोचा था आज मेरा पुत्र पैदा हुआ, ये मेरी ढाल है, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये मेरे लिए खड़ा होगा, ये मेरी ताकत है। अशरफ मेरा ख्याल था जब तू जवान होगा तो अपनी बहनों का ख्याल रखेगा, तो सायरा और जवाद की शादी रोक दे। उस वक्त तू कहाँ थी अम्मा, जब मेरी बहनों ने नाच नाच कर मेरी मोहब्बत मेरी पसंद को हमाद के हवाले कर दिया था? मैं उनकी खुशियों की माफी मांगती हूँ तेरे से। तू एक काम कर, तू हमाद और इफ्रा की रुखसती रुकवा दे। अशरफ का निकाह हुआ है, इफ्रा हमाद की बीवी है, कैसी बातें कर रहे थे? डील कर लेते हैं अम्मा, तू चाहती है ना कि सायरा और जवाद का निकाह ना हो, तो तू इफ्रा और हमाद की रुखसती रुकवा दे, मैं सायरा और जवाद का निकाह रुकवा देता हूँ। सोच ले, इतनी जल्दी नहीं है, सोच ले, आराम से सोच ले, किसका दिल वीरान करना चाहती है तू, अपने बेटे का या बेटियों का, तेरे पे है, जा सोच ले। अशरफ तू इंसान नहीं है, तू भेड़िया है, भेड़िया। भेड़िया ही अच्छा हूं अम्मा, किसी की खुशियां नहीं खाता लेकिन।
जैसे सबने मेरी खुशियां खाई हैं, भेड़िया। ओ जिले, ओए ऐनक लगाए, ड्रैग कोला बन के बैठा हुआ भाईजान के सामने, थोड़ी सी टीप टी की ना ड्रैग डाउन कर दूंगा तुझे। वो अच्छो भाईजान पंजी, एक 500 का नोट चाहिए था, वो शबाना के लिए ना बाली रहनी है। मेरा दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, बेमैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है दिल वाला। बड़े प्यार से लाया हूं। भाई सजदी है तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना।
सिखा देना इफ्रा तुम्हें, अगर जज्बे सच्चे हो ना तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अब देखो ना, अशरफ भाई की लाख मुखालफत के बावजूद हम दोनों एक हो ही गए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमाद आपने वो मुहावरा सुने, समंदर में रहकर भी मगरमच्छ से बैर। क्या मतलब? मतलब कि अशरफ भाई हर लम्हा हमारे साथ रहेंगे। जानती हो कभी ना कभी वो मुझसे बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं इफ्रा, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, हमारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर में रहती हो जहाँ पर घर के दूसरे अफराद भी रहते हैं। कोई गली मोहल्ला तो है नहीं कि तुम्हें आते जाते रोक के वो तंग करेंगे। जो भी हो हमार, इंसान की कभी फितरत नहीं बदलती। देखो इफ्रा, बेहतर होगा कि तुम इन खदशात को अपने दिल से निकाल दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपने माजी को भूल जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अशरफ भाई की बातों में इंटरफेयर मत करना। जब तुम उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करोगी तो क्यों तुम्हें वो बिला वजह तंग करेंगे? तुम उन्हें कोई रीजन ही नहीं दोगी। हाँ जी, क्या कर रही है? ये बहुत अच्छा लड़का है। अगर आप यही कहता है इस बात में, तू सारा का साथ मिली हुई है। एक दफा भी तूने नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो लड़का उसका आशिक है और उसको वो लेके हमारे घर आई है तो हमारी नाक नहीं कटेगी? मुझे नहीं पता हमारे घर में किसी लड़की की ये इश्मशुकी की जरूरत नहीं कभी पड़ी। किसी इश्मशुकी की बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने रिश्ता भेजा था इसके लिए। मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ। इज्जत से रिश्ता लाए थे, उन्होंने सहरा का हाथ मांगा था। कौन सी इज्जत जो तुमने उनको दी थी या जो असलम ने हमारी इज्जत की थी उनके सामने? जाहिल औरत, हर काम तूने उल्टा किया। ऊपर से तेरी बेटी ने वही करना था जो तूने उसको सिखाया। सारे जग की सबसे बुरी औरत तो मैं ही हूं। हाँ हो तुम जग की सबसे बुरी औरत। तुमने झूठ बोला और अब उस झूठ की हमायत कर रही हो। मैंने झूठ बोला इसलिए झूठ बोला कि अगर आपको पता चलता कि वाद सायरा को पसंद करता है तो आप उसको घर में ना घुसने देते। इसका मतलब है तुमने जानबूझ के झूठ बोला? मैं डर गई थी। आप जानते हैं अशरफ को, आप जानते हैं उससे। जब उसने जवाद की बात की तो मैंने इस लड़के का रिश्ता मुनासिब समझा। आप जवाद को मना कर दे, सायरा से ना कीजिएगा शादी, बस मना कर दे जवाद को। क्या हुआ? है तो है, आप कुछ गुस्से में लग रही हैं। बकवास बंद कर। तुझे भाइयों की तरह पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू बड़ा होके हमारी खुशियों को ही नाक बन के डस ले। अरे शर्म ना आई तुझे अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं, भाई का हुक्म है। तो इनकार कर देना मर्द बन। डर लगता मुझे भाई से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो चार चांटे और खा लेगा। तेरे लिए नई बात तो कोई नहीं है ना? देख जवाब, भाई तो इस वक्त बिफरावा शेर बन के फिर रहे,
लेकिन मैं तुझे खबरदार करने आई हूं। अगर तो दूल्हा बन के हमारे घर में दाखिल हुआ ना तू, तो कसम खा रही हूं मैं, रसम के दूध में ही जहर डाल के पिला दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी तुझे मैं। एक ही हल है इस बात का, भाग जाए यहां से, भाग जा कहीं दूर। अगर तू मार के मुझे कब्र में भी दफना देगी ना, तो भाई मुझे ना कफन समेत कब्र से निकाल के ना सायरा के बराबर में बिठा देगा। अपनी मर्जी से नहीं शादी कर रहा मैं, छोटी बहनों की तरह सायरा मेरी। जवान तू कब से इतना बुजदिल हो गया? अरे डट कर खड़ा हो जाना उसके सामने। आप कह सकती हो, आप कह सकती हो, आप जो लोग मेरी तरह दूसरों की रोटियों में पलते हैं ना, वो नहीं कभी डट के खड़े हो सकते। हमेशा चांटे खाने के बाद अपने गाल मसलते रहते हैं। सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? जो मेरे दिल में है वो कहने की हिम्मत नहीं है मुझे। मत करना तो बहादुरों का काम है। बुजदिल लोगों से काम मोहब्बत होती है। बहादुरों का नहीं, हौसला मंदों का काम है। बहादुर तो भाई भी है ना, हार गया ना मोहब्बत के मैदान में। देख तू सच सच पता, तू किसको पसंद करता है? जवाब में तुझसे कुछ पूछ रही हूं, बताता क्यों नहीं है? अरे बोल ना। तेरे बराबर खड़ी है। इसे क्या कि मेरी शादी करा देना इससे। ना, मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। बस अपने आप में हिम्मत पैदा कर और कह दे जाके भाई को, शर्म कर। जवाब से नफरत करती है जो तेरे अकलौते भाई का, जो तुझे तुझे जान से ज्यादा प्यारा था उसका बेटा है। हमारे घर में तो लड़कियां इज्जत की खातिर जान कुर्बान कर देती हैं, और उस भाई का बेटा तुझे नापसंद है। मुझे नापसंद है, मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी की शादी उससे। मुझे पता है जवाद का कुछ नहीं करता, सारा दिन अशरफ के पीछे पीछे फिरता है, उसे चाटे खाता है। जाती क्या करूं मैं, करूंगी। वो लेके आई है पहले वो लड़का यहाँ रिश्ते के लिए, कल के दिन वो मेरे पास आएगी, क्या मुझे इस लड़के से प्यार है, मेरे से शादी करवाओ। फिर तो जाती मैं बार बार दलील हूं, मैंने फैसला कर लिया ये सारा की शादी जो है
जवाब के साथ होगी, बस खत्म बात। इसी जुम्मे तैयारी करो, और ये ड्रामा बाजी मैंने नहीं देखनी, जाओ जाके उसको बताओ। और जाए जाए के निकाह की तैयारी करो। तो फिर मैं ये समझ लूं, अगर मेरी शादी तेरे से हो भी जाती है तो सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी, और तू ऐसे ही अशरफ भाई के चांटे खाता रहेगा। अगर तू मुझे मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। छोटा सा घर लेंगे, हंसी खुशी वहां जिंदगी गुजारेंगे। पैसे हैं मेरे पास, छोटा सा कारोबार कर लूंगा, दाल रोटी चल निकलेगी। मेरी ना बड़ी ख्वाहिश है मेरा अपना घर हो, चाहे एक ही कमरे का क्यों ना, चाहे मैं अपनी मर्जी से जीऊं, अपनी मर्जी से सोऊं, अपनी मर्जी से उठूं, जो मेरा दिल करे मैं करूं। सुबह भी मेरी होंगी, शामें भी मेरी होंगी, तेरे साथ हूं। और ये तब होगा जब तुम हिम्मत करोगे। आज जाके अशरफ भाई को बोल दो। क्या बात है अम्मा, इस तरह शोक में क्यों बैठी है? कौन मर गया? अब मर नहीं गया, मारना है।